आमतौर पर दूध का जला इंसान छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन अपने भाईजान का थोड़ा सा तेवर अलग है। वो तो छाछ को उबालने में लगे हुए हैं ताकि फिर से जल सकें। आई थिंक ही लाइक टू बी बर्न्ड, बट पब्लिक को जलाने में क्यों तुले हैं ये बात समझ में नहीं आती। उनकी मूवी किसी का भाई किसी का जान का एक गाना आया था कुछ वक्त पहले, नाम था नहीं हो लगता, जो कि 90s के नाम पर कूड़ा था। उसके डांस स्टेप्स, उसकी कोरियोग्राफी, उसका म्यूजिक, उसकी लोकेशन, सब कुछ इतने थके हुए थे कि पब्लिक डर गई। ऊपर से उनके कमर तोड़ और टांग तोड़ डांस देखकर पब्लिक को सदमा लग गया। बरहाल एक दो हफ्ते बाद पब्लिक जैसे तैसे सदमे से बाहर आई थी, सलमान खान ने एक झटका और दे दिया। इस बार बिल्ली बिल्ली लेकर आए हैं, जहां पर लोग टीच करते हैं डिफरेंट तरीके से, वहां सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम ट्विटर पर दो बिल्लियां डाल दी और गाने का ऑडियो डाल दिया। पब्लिक को लगा बहुत टीजिंग मिलेगी, कैट सॉन्ग होगा, जबकि गाना सुनकर पब्लिक को लगा यह भी 90s का एक कूड़ा ही लगता है। बहरहाल इसके बाद इस मूवी का ऑडियो सॉन्ग आया। बाद में मालूम पड़ा इस गाने को सुखवीर सिंह ने गाया है, जो कि पंजाबी दुनिया के काफी अच्छे सिंगर माने जाते हैं, लेकिन इस गाने में उन्होंने भी जम के हगा है। गाने के बोल, गाने का म्यूजिक, सब कुछ 90s के पॉप एल्बम एरा की याद दिलाता है। सलमान खान के टेस्ट को पता नहीं क्या हो गया है, ऊपर से इस गाने का ऑडियो वर्जन डाला गया है। साउथ के हिसाब से चलें तो इस गाने का वो अपना लिरिकल पिक्टोरियल वर्जन भी डाल सकते थे, जहां पर लोगों को गाने के थोड़े बहुत शॉर्ट्स मिल जाते, थोड़ा सा वीडियो देखकर पब्लिक का ध्यान सॉन्ग्स पर लिरिक्स पर नहीं जाता। लेकिन सलमान खान लगता है अपने हुक स्टेप को रिलाइव करने में बिजी हैं और नए नए स्टेप सीखने के लिए वीडियो बाद में शूट करेंगे, पहले पब्लिक के कान में खून निकालने के लिए ऑडियो डाल दिया है। बरहाल आप इस गाने को पूरा सुनेंगे, समझ जाएंगे गाने में कोई भी ऐसी रिदम, कोई भी ट्यून ऐसी नहीं है जो इस जमाने की लगती हो, यानी सलमान खान को अपना 90s एरा ही भूलने नहीं भूलता है। इस मूवी का भंडाधार करने के लिए कोई और दोषी नहीं है बजाय खुद सलमान खान के। सलमान खान ने अपनी मूवी को लेकर जिस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं, डांस को लेकर, म्यूजिक को लेकर, स्टोरीज को लेकर, कास्ट को लेकर, बहुत ज्यादा रिस्की है। कास्ट के नाम पर टीवी के थके हुए फ्लॉप एक्टर हैं या तो न्यूकमर्स हैं। साउथ के कैमियो रामचरण तेजा को छोड़ दें, बाकी सब थके हुए स्टार कास्ट है। ऊपर से जो डायरेक्टर हैं फराज सामजी, उनकी भी दो तीन फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या फिर बच्चन पांडे हो। हीरोइन पूजा हेगड़े जिस मूवी में काम करती हैं फ्लॉप हो जाती है, यानी सब के सब बहुत ही अपशकुनी और बहुत ही ज्यादा बैड लक के लोग साथ में काम कर रहे हैं। ऊपर से उनकी मूवी होम प्रोडक्शन की है, और जब जब होम प्रोडक्शन की मूवी बनाते हैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, फिर चाहे वो ट्यूबलाइट हो या फिर उनकी पुरानी मूवी हेलो ब्रदर हो या फिर उनकी एक और मूवी रेस 3 ले लो, जहां जहां उनका पैसा खुद का लगता है बहुत ही कैजुअल हो जाते हैं। किसी का भाई किसी के जान के साथ भी उनकी कैजुअलनेस साफ दिखाई देती है। मूवी को लेकर ना कोई ढंग का प्रमोशन, ना कोई ढंग का टीजर, ना कोई ढंग की ऑडियोज, ना कोरियोग्राफी, ना तो लुक। पब्लिक को सिर्फ अपने नाम पर बेचना स्टार्ट कर दिया सलमान खान ने, लेकिन सलमान खान भूल गए कि रीमेक के इस दौर में सजादा पिट चुकी है, सेल्फी पिट चुकी है, और उनकी वीरम की रीमेक भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं पब्लिक की नज़र में। ऐसे में गाने, म्यूजिक, प्रमोशन अच्छा नहीं होगा तो किसी का भाई किसी का जान पब्लिक की और सलमान खान की दोनों की नींदें और जान उड़ाने के लिए बहुत है। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।